प्लीज सर स्टेज पे आ जाइए फॉर आई लेजेंड गजेंद्र सिंह चौहान जी. महाभारत कैसे आया आपके लाइफ में? महाभारत धारावाहिक 1984 में जब बी आर चोपड़ा साहब ने एक ऐड दी थी अखबारों में, तो मैं ऑलरेडी मुंबई में पहुंच चुका था और सबसे पहले मुझे कृष्ण का रोल ऑफर हुआ था. उसके बाद महाभारत बनने में काफ़ी देर हो गई, 4 साल लगे, उससे पहले रामायण आ गई. और उस दौरान मैंने कुछ साउथ की फिल्में की और साउथ का खाना बीइंग ए नॉर्थ इंडियन मुझे सूट नहीं किया, तो मेरा वज़न पुट ऑन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बलराम में शिफ्ट किया गया और आई वॉज़ नॉट हैप्पी. और लकीली एक दिन मुझे कॉल आया कि आपका ऑडिशन दोबारा लेना है और युधिष्ठिर के रोल के लिए मुझे ऑफर किया गया. आई वॉज नॉट रेडी टू डू युधिष्ठिर इवन. लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब रवि चोपड़ा साहब, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि दिस रोल इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, तो आप परफॉर्म कीजिए. मैंने फिर इस किरदार को पढ़ा और हमारे जो राइटर थे डॉक्टर राहिम हसन रजा साहब, उन्होंने बड़ी मदद की और एक कैरेक्टर के जो पैरामीटर्स होते हैं, उस रोल की जो बाउंड्रीज होती हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, बिकॉज टू परफॉर्म ए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द एक्टिंग एक्चुअली बेसिकली, बिकॉज वहाँ पे आपको अपने गेटअप को मेंटेन करना पड़ता है, अपने लुक को मेंटेन करना पड़ता है, अपने बॉडी लैंग्वेज को, कपड़ों को, विग को, वो एक थोड़ा सा फिजिकल भी होता है बेसिकली. तो फाइनली मुझे 17 अगस्त 1988 को महाभारत में युधिष्ठिर का रोल करने का अवसर मिला. बी आर चोपड़ा साहब का ये था कि वो अपने जो लेखकों की टीम है वो उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और लेखक जो भी कहे वो मानते थे. मैं यह चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बी आर चोपड़ा साहब ने 2 एपिसोड डायरेक्ट किए महाभारत में. एक तो मुकेश खन्ना साहब का भीष्म पितामह का, जो भीष्म प्रतिज्ञा थी वो किया था, और मेरा एक 27वां एपिसोड में एक सीन था जहाँ युवराज घोषित किया जाता है धर्मराज युधिष्ठिर को, तो वो सीन चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट किए थे. चोपड़ा साहब की अप्रोच में थोड़ा पुरानापन था, लेकिन रवि चोपड़ा साहब जो है वो कंटेम्प्रेरी थे. आज की जो उस वक्त का युग 88 का, वो क्योंकि फिल्में भी बनाते थे, चोपड़ा साहब एक युग पुराने वाले थे जो पुरानी फिल्में बनाई हैं, बट चोपड़ा साहब की जो सोच थी वो बिफोर टाइम थी हमेशा. और चोपड़ा साहब का ये कहना था कि आप अगर बीआर फिल्म्स का लोगो देखें तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, वो भी उनका लोगो में है कि कर्म ही प्रधान है. तो मतलब उनके दिल की इच्छा थी कि वो जिंदगी में एक महाभारत बनाए, महाभारत धारावाहिक हो या फिल्म हो. और उनको मौका मिला दूरदर्शन पे, और दूरदर्शन की रीच तो आप समझते हैं कहाँ तक है, तो हमारे भारत में जो आखिरी व्यक्ति है गांव का, वहाँ तक पहुँचता है दूरदर्शन. मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बाप बेटे जो थे चोपड़ा साहब और उनके सुपुत्र रवि चोपड़ा साहब, जब सब्जेक्ट की बात आती थी तो वो पिता पुत्र नहीं होते थे, 2 कंटेम्प्रेरी होते थे वो. मतलब मैंने उनको सब्जेक्ट के लिए, सीन के लिए लड़ते हुए देखा है. मुझे याद है एक सीक्वेंस में एक बार डिबेट डिस्कशन हो रहा था ऑफिस में राइटर्स की टीम के साथ. ये था मेरा जो जुए का सीन था, द्यूत क्रीड़ा का सीन था, तो चोपड़ा साहब का ये कहना था कि जुए का सीन और चीरहरण एक ही एपिसोड में आना चाहिए था, और रवि चोपड़ा साहब का मानना था कि जुआ एक एपिसोड में आएगा और चीरहरण अलग एपिसोड में आएगा. चोपड़ा साहब इतना गुस्सा हो गए थे उनसे, उन्होंने कहा कि ये महाभारत का सत्यानाश कर देगा तो भी, तो बहुत नाराज़ हुए थे. तो उन्होंने कहा अच्छा करके दिखाओ मुझे. तो उन्होंने जो पहला एपिसोड जहाँ युधिष्ठिर जो है सब कुछ हार जाता है, वहाँ जाके फ्रीज किया उन्होंने. और मुझे याद है वो एपिसोड शूटिंग करने में हमें 25 दिन लगे थे एक एपिसोड को, क्योंकि उसमें जो है 6 दिन तक तो मेरे क्लोजअप हुए थे. उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे दोबारा, कभी मौका मिले आपको तो यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको दिखेगा कि उसमें कितना कैमरा वर्क है. 6 दिन तक तो मुझे अकेले को बैठा के मेरे क्लोजअप हुए थे, जूम, ट्रॉली, क्रेन, मतलब हर तरह का एंगल उसमें यूज किया गया था, तो उसकी बेहतरी के लिए किया गया था. तो पहला एपिसोड जहां सब कुछ हार जाता है, वहां एक दोहा भी है कि जुआ बुरा है खेलना करे बुद्धि का नाश,
धर्मराज का धर्म भी बदा जुए के पास। तो जुए का जो इफेक्ट था उन्होंने एक एपिसोड में दिखाया, और उस जुए का जो एक कॉज होता है एक बिकॉज होता है, तो जो दूसरा असर था चीरहरण, जुए के कारण फिर चीरहरण हुआ क्योंकि वो सब कुछ हार चुके थे, तो वो दूसरे एपिसोड में दिखाया और उसका एंड फिर वहां किया। तो दोनों एपिसोड अलग अलग जब बने तो छोटा सा उसको सेटिस्फाइड दिखता है कि रवि जी हरदाने को क्या बोला। महाभारत के बाद जो है वैसा ही कुछ काम, वैसा ही कोई किरदार, वैसा ही कोई डायरेक्टर आपको नहीं मिला? देखिए, हिमालय से ऊंचा कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, रामायण और महाभारत जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता है, ये हमारे खून में है। आप देखेंगे कि आज महाभारत को टेलीकास्ट हुए 33 साल हो गए, 33 साल के बाद भी ये किरदार लोगों के दिमागों में, बातों में असर छोड़े हुए हैं, जिंदा हैं ये किरदार। मतलब मुझे गजेंद्र के नाम से कम बुलाया जाता है, युधिष्ठिर के नाम से ज़्यादा बुलाया जाता है। और ये असर सिर्फ ऐसा नहीं कि जो नीचे का तबका है वहाँ है, ये फ्लाइट के अंदर भी वैसे ही बुलाते हैं, एयरपोर्ट्स भी वैसे ही बुलाते हैं, तो वो एक छाप पड़ चुकी है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो महाभारत और रामायण है जैसे कोरोना काल में दिखाया गया, मेरी ये इच्छा थी, मैंने दूरदर्शन के अधिकारियों से कई बार ये बात की कि इसको हर 5 साल में दिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब जब देश में जनरेशन चेंज होती है तो अगली पीढ़ी तक वो बातें पहुंचनी चाहिए जो हमारी संस्कारों में है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी धरोहर जो है इस देश की, वो बार बार हर जनरेशन को जानी चाहिए। क्योंकि पुरानी जनरेशन देख चुकी है, रिपीटेडली देख चुकी है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हर 5 साल में, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रामायण और महाभारत जो है स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं एक स्कूल में एक फंक्शन अटेंड किया था, कर्नल सत्संगी स्कूल दिल्ली में, हौसकास में है, वहाँ पे महाभारत का एक एपिसोड का एक पीरियड होता है और उसके ऊपर एग्जाम होता है। वो कर्नल साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आगने वाली जनरेशन इसके बारे में जाने कि हम कहाँ से आए हैं, क्या सभ्यता के साथ आए, क्या संस्कृति के साथ आए, और किस तरह की हमारा इतिहास रहा है। वो इतिहास हमारी नई जनरेशन तक पहुँचना बहुत आवश्यक है, और यही कारण था कि कोरोना काल में एक बार फिर, मुझे याद है लोग कहा करते थे जब पहली बार टेलीकास्ट हुआ था महाभारत, कि भाई ये तो इसलिए हिट हो गया कि एक ही चैनल है, लेकिन अब तो 900 चैनल थे, फिर हिट हुआ। ये कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता, क्योंकि रामायण हमें सिखाता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, आदर्शवाद, लेकिन महाभारत ये सिखाता है कि क्या नहीं कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोचे समझे बगैर कोई भी बात कहना, उसका प्रभाव जो है वो सिर्फ महाभारत हो सकता है। तो हर किसी को ये पढ़ाना, ये समझाना जरूरी है, और मुझे लगता है सिनेमा जो है वो सबसे बढ़िया माध्यम है कि लोगों तक आप अपनी बात कह सकें। महाभारत और रामायण इस देश में कभी जा नहीं सकते, हमारे बचपन से हमने इसको संवारा है, और मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मुझे लगता है आने वाले समय में हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। गजेंद्र जी, मोदी जी आपके ऊपर काफी प्रसन्न थे, आप जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बने, पर आपको नहीं लगता कि जो विरोध कर रहे थे, हालांकि विरोध तो उनका मतलब जो है वो उस अधिकार को सबसे पहले देखते हैं, फिल्म बनाना बाद में समझते हैं कि वो जरूरी है, आपको बिना मौका दिए, बिना कुछ करने दिए, बिना इवन आपने शायद एक पेपर भी साइन नहीं कर पाए या एक मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाए, चारों तरफ विरोध 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 ऐसे हो गया जैसे कि मतलब जो है भाई ये कौन है, मतलब ये कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आपको मैंने निजी तौर पर कैसा लगा? मोदी जी जो है वो सिर्फ मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, पूरे भारतवर्ष में प्रसन्न। बिल्कुल, वो तो है ही। मेरा संबंध इतना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आधिकारिक सदस्य हूँ, और मैं पार्टी के और विचारधारा के लिए हमेशा से काम करता रहा हूँ, जिसके लिए मैंने नुकसान भी बहुत उठाया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट से उस वक्त जो बुद्धिजीवी वर्ग था फिल्म इंडस्ट्री का, वो अपने प्रोजेक्ट्स में लेते नहीं थे, लेकिन मैंने उस नुकसान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ा। जहाँ तक FTI का सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक भी पेपर साइन किए बगैर, मौका मिले बगैर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। वो बेसिकली गजेंद्र चौहान का विरोध नहीं था, वो विरोध था सरकार का, क्योंकि उससे पहले विपक्ष को कोई ऐसा मुद्दा मिल नहीं रहा था जो वो विरोध कर सके, और गवर्नमेंट जो थी वो बेबी गवर्नमेंट थी, एक ही साल हुआ था इस सरकार को आके। तो लोगों ने क्या किया कि इसको गिराने का तरीका, जो आजकल आज एक दूसरे माध्यम से भी देख रहे हैं, आप समझ गए मेरा इशारा किधर है, तो ऐसा ही विरोध FTI का था कि विरोध करो चलो, उन्हें ये मालूम ही नहीं किधर है। कई बार क्या होता ना कि भाई ये धर्म खतरे में है, और लोग भागते हैं धर्म खतरे, किधर जाना उनको पता ही नहीं है।
लोगों ने एफटीआई में सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने वहां जाके ज्वाइन किया, मैंने काम किया और ऐतिहासिक काम किया। लेकिन मैं अपने मीडिया कर्मियों से बहुत नाराज हूं इस बात को लेकर कि उन्होंने मेरे अच्छे काम को लोगों के सामने तक नहीं पहुंचाया। मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा, वैसे तो मैंने कम से कम 25 अच्छे काम किए वहां पे। एक काम ऐसा था कि जो पिछले 55 साल से ड्यू था, वहां पे ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है और उन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिप्लोमा दिया जाता था। मैंने 27 दिन के अंदर अंदर उसे मास्टर डिग्री में कन्वर्ट कराया और आज जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ वहां पे, आज भी कुछ मीडिया कर्मी लिखते हैं कि मैंने रिजाइन किया। मैंने कभी रिजाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे ये समझ में बात आ गई थी कि लड़ाई करके जीतना पड़ेगा। अगर लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा नहीं, अगर छोड़ के भाग जाऊंगा तो अपने आप को जिंदगी भर कायर कहलाऊंगा। मैंने कहा लड़ूंगा, क्योंकि देश की सरकार मेरे साथ खड़ी है और जिन्होंने मुझे ये पद दिया वो मेरे साथ खड़े हैं और उनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा था। और मैंने वो काम किए हैं जो आज तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं किए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात। 10 साल से स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जिनके डिप्लोमास कंप्लीट नहीं हुए थे, वो मैंने 4 महीने में कंप्लीट कराए। सिलेबस पिछले 15 साल से चेंज नहीं हुआ था, वो सिलेबस चेंज कराए, नए नए आयाम लेके आया वहां, डिसिप्लिन का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया। आपको यहां कोई भी अगर एफटीआई से कनेक्शन रखता हो या एफटीआई जाने की इच्छा रखता हो तो आज जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि 2015 के पहले के एफटीआई में और आज के एफटीआई में कितना फर्क है। वो चीजें की, लेकिन वो मीडिया, मेरे मीडिया के दोस्त जो थे, मैंने उनसे कहा ये बात कि भाई मैं आप डिबेट करना चाहता हूं एफटीआई पे, किसी ने भी आगे हाथ नहीं बढ़ाया। कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं है, लेकिन 2017 की सीएजी रिपोर्ट जो आई, जो पार्लियामेंट में पेश हुई, उसमें लिखा हुआ है कि गजेंद्र चौहान के टेन्योर में एफटीआई में सबसे बेहतरीन काम हुआ। आप गूगल पे जाके सीएजी रिपोर्ट 2017 अबाउट एफटीआई देख सकते हैं, उसमें ये लाइन सेपरेटली नाम लेके लिखी हुई है। तो ये मेरे, जब मुझे खुशी हुई इस बात की कि सरकार ने उसको स्टैंप किया, ऑथोराइज किया, ऑथेंटिक माना, तो पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट में मेरा नाम गया उस के साथ में कि सीएजी रिपोर्ट में गजेंद्र चौहान ने बेहतरीन, अपने टेन्योर में सबसे बेहतरीन काम किया। ये लिखा हुआ है सर, ये वर्ड लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद मुझे आईएनबी सेक्रेटरी जो थे उस वक्त, उन्होंने पर्सनल एक लेटर लिखा कि आपने जो काम किए थे आपके बगैर ये इम्पॉसिबल थे, यहां पे आज तक नहीं हुए थे, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मुझे थोड़ी सी नाराजगी सिर्फ ये है कि उस अच्छे काम को भी अगर मेरे अपॉइंटमेंट के बगैर मेरा विरोध हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अच्छे काम के बाद मेरा सहयोग भी किया जा सकता था। पार्लियामेंट पर आपको कब देखेंगे? मैं कभी भी ऐसा फेवर नहीं चाहता हूं मेरी सरकार से या मेरे नेताओं से जो आउट ऑफ द वे हो। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाने की क्षमता रखता हूं बस। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई, राज्यसभा में मान लीजिए नॉमिनेशन कर दिया गया, तो सबसे पहला बिल, पर्सनल बिल आप क्या लेके आना चाहिए? मैं सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था उसे मान्यता प्राप्त कराऊंगा, क्योंकि मैं जहां से आया हूं, जिसकी बदौलत मैं वहां तक रास्ता तय करूंगा अगर किया तो मैं सबसे पहले इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हमारे जो दोस्त होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जब वो पार्लियामेंट जाते हैं तो इंडस्ट्री को भूल जाते हैं। मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहला काम इंडस्ट्री के लिए करूंगा, उन कलाकारों के लिए करूंगा, उन टेक्नीशियंस के लिए करूंगा। और आपको एक बात और रिकॉर्ड बता दूं, इस बार इस समय मैं चीफ एडवाइजर हूँ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, जो मुंबई में 32 एसोसिएशन को कंट्रोल करती है। पिछले साल मैंने हरदीप पुरी साहब से मिल के 11,000 एम्प्लॉयज के लिए मकानात ऑलरेडी शुरू करवा दिए हैं, उसकी नींव डाली जा चुकी है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्री के जो गरीब तबके के टेक्नीशियंस हैं उनको आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको वो मकान अलॉट होंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, पर आप लोग, अभी मैं फ्लोर ओपन कर रहा हूँ, आप लोग बताइए आप लोगों के मन में क्या सवाल है सर के लिए। देखिए, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में प्ले किए, बहुत सारे रोल प्ले किए हैं, जिसमें से महाभारत आपकी लाइफ का माइलस्टोन रहा। तो मेरा पूछना ये है कि आपके हर कैरेक्टर ने आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है या किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया है? कोई भी किरदार किसी भी कलाकार की लाइफ को परमानेंटली अफेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना वो दूसरा किरदार करने लायक नहीं रहेगा। हमारे मेथड एक्टिंग में कहा जाता है स्विच ऑन स्विच ऑफ,
जब तक आप किरदार में हैं किरदार में रहिए, उसके बाद आप अपने घर में आइए, अपने घर के हो जाइए, अगले दिन दूसरा किरदार करने जाएंगे उस किरदार में चले जाइए, जब तक शूटिंग है उस किरदार में रहिए। क्योंकि अगर मैं युधिष्ठिर बन के सारी जिंदगी रहूंगा तो मुझे लगता है मुझे रोजी रोटी नसीब नहीं होगी। मैं अगर विलन का रोल करूं तो क्या घर आके भी विलन ट्राई करूं? तो इसलिए किसी भी एक्टर को, लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है, मेरी सोच ये है कि परमानेंटली आप किसी भी किरदार में परमानेंटली नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है कि पहले के टाइम के सिनेमा में और आज के टाइम के सिनेमा में, जो कि हम हमारी जो न्यू जनरेशन है, हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, और पहले के टाइम में जितना बॉलीवुड था, जिस तरीके का था, आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आज के टाइम में क्या चेंजेस आए हैं जो पहले थे, या पहले पहले के बॉलीवुड में जो क्रेजीनेस था, क्या आज भी वो है या वो बदल रहा है? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव तो आएगा ही, टेक्नोलॉजी बदल गई है, एक्टिंग नहीं बदली, एक्टिंग वैसी है, पहले भी लोग करते थे अभी भी करते हैं। सिनेमा की स्पीड बढ़ गई है, सिनेमा के एवेन्यूज खुल गए हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री पहले नहीं थी, टेलीविजन इंडस्ट्री आ गई है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक कलाकार को हमारे इवन मेरे टाइम में 80s में जब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, और बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करना पड़ता था जिसका जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता। लोग तो अखबारों में मैगजीन में पढ़ते हैं कि मैं भूखा रहा, मैं जमीन पे सोया, मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, इससे भी ज्यादा होता था स्ट्रगल का मापदंड। लेकिन मैं हमेशा कलाकारों से कहता हूं कि कलाकार कौन होता है, कलाकार की परिभाषा क्या है, आने वाले कल को जो आकार दे सकता है वो कलाकार होता है। कलाकार में वो ताकत होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो हैसियत होनी चाहिए कि पीछे मुड़के ना देखे, कम वॉट में तो आप फिर कला की उस ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाएंगे, मुझे रोल नहीं मिला, कोई बात नहीं, दुनिया यहां खत्म नहीं हो जाती, अगला रोल मिलेगा। लेकिन जिस दिन रोल मिले उसको ऐसा निभाइए कि दुनिया याद रखे। डायरेक्टर से जो बाउंड्रीज है, पैरामीटर्स है, उससे अगर वो मैच कर गई तो मुझे लगता है यू आर ऑन ए डॉट एज एन एक्टर। मैं आज आपको बताऊं एक बहुत छुपी हुई बात की, आज भी जब मैं नया प्रोजेक्ट करता हूं तो रात भर सो नहीं पाता हूं। अगले दिन जब शुरू होता है, पहला दिन शूटिंग होता है, और पहला शॉट जब तक नहीं होता, जैसे क्रिकेट में पहली बॉल आप फेस नहीं कर लेते तो आपका कॉन्फिडेंस, आई कैन अंडरस्टैंड सर, सेम सिचुएशन हर फील्ड में होती है, हर फील्ड में होती है, तो मेरे साथ भी आज तक होता ही है। इतने साल फिल्म इंडस्ट्री बिताने के बाद जब पहला किसी प्रोजेक्ट का, किसी रोल का पहला दिन होता है तो वो डर लगा रहता है कि डायरेक्टर कहेगा नहीं अच्छा नहीं हुआ, और वो बेस्ट देने के लिए पूरा करना जी, और वो हो गया, वो मूवमेंट निकल गया तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहे। अब काम करने के चक्कर में आप पैसों को अहमियत ज्यादा देते हैं या कला को? पैसों को अगर अहमियत देता हूं तो मैं यहां आके बैठा नहीं होता, मैं अपने बिजनेस कर रहा होता और करोड़ों में खेल रहा होता है। आज भी लोग मुझे कहते हैं कि 300-400 करोड़ का आदमी है, कोई बोलता है 100 करोड़ का आदमी है, कोई बोलता है नहीं 30-40 करोड़ का होगा। मैं असलियत आपको बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं आज भी ऑडिशन आता, ऑडिशन देने जाता हूँ, ऑडिशन लेके काम करता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी की एक उसूल है, आज आपको बता दूंगा, माई ऑनेस्टी इज नॉट फॉर सेल। मैंने अपनी ईमानदारी को कभी बिकने नहीं दिया, इसलिए आप अगर उस थ्रेड को पकड़ के चलेंगे जिंदगी में आप कभी गलत नहीं हो सकते। मैं पिछली बार डीडी किसान का चेयरमैन था, उसके पहले डीडी अरुण प्रभा का चेयरमैन था। मैं आपको राज की बात बताऊं, दूरदर्शन में मैंने वो पुराना सिस्टम बंद कर दिया, आप समझ गए मेरा इशारा। एक और कैरेक्टर करना भी एक काम है। मुझे हर कोई मेरे आर्टिस्ट आप सब बहुत लोग जानते हैं, मुझे बार बार कहते हैं अरे अरे भाई तुम इतने सीनियर आर्टिस्ट उठ गए, इतना छोटा काम करते हैं। मैंने कहा नहीं, एक मिनट, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। आपका टाइम लिया, समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।